हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारा मिठाई बनाने का मन होता है, इसलिए आज हम बनाएंगे घेवर। देखिए हमारा कितना टेस्टी और लाजवाब घेवर बनकर तैयार हुआ है। आप बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मिक्सी जार लिया है और उसमें एक चम्मच घी डाला है और मैंने 3-4 आइस क्यूब लिया है। अब इनको हम मिक्सी जार में मिक्स करेंगे, रुक रुक के ब्लाइंड करेंगे। देखिए हमारा ब्लाइंड होने के बाद ऐसे तैयार हुआ है। और अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, आधा कप मैंने दूध डाला है। हम फिर से ब्लाइंड करेंगे इसको। देखिए अब हमारा बैटर ऐसा हुआ है। और अब हम इसमें एक कटोरी मैदा लिया है और हम थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालेंगे इसमें, एक साथ मैदा नहीं डालेंगे। और मैंने फिर ब्लाइंड किया है। ब्लाइंड करने के बाद हमारा ऐसा हुआ है। फिर से मैदा डालेंगे थोड़ा। और अब यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है फ्रीजर का। देखिए ठंडा पानी लिया है, हमें ठंडे पानी से बैटर तैयार करेंगे। ब्लेंड किया, रुक गए, ब्लेंड किया, से ब्लेंड कर कर के हमने बैटर तैयार किया है। देखिए हमारा इतना पतला बैटर तैयार हुआ है बनकर। हमें ऐसा बैटर तैयार करना है। अब इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे। इस पैन में निकालेंगे, देखिए मेरा कितना पतला बैटर है। हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। अब मैंने एक तरफ पैन में घी लिया है पतीले में, आप इस तरह का ही पतीले लेना। और दूसरी तरफ मैंने सॉस बोतल में बैटर भरकर रख लिया है। इधर हमारा ऑयल और ये मैंने एक चम्मच इसमें घी डाला है। घी और ऑयल मिक्स किया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने का भी तरीका है, मैं रुक रुक के डालना है उसको, एक साथ नहीं डालना और बीच में होल करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, होल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ऐसे प्रोसेस करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो हमारा घेवर बनकर अच्छा रेडी नहीं होगा। धीरे धीरे होल करते रहेंगे, बैटर डालते रहेंगे। में डालने की ट्रिक होनी चाहिए। और हमारा घेवर बनकर बहुत ही कस्ता और तैयार होगा। ऐसे हल्का हल्का बीच में हम चक्कू से या आपके पास जो भी है उससे इसमें होल करेंगे, फिर डालेंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा एक घेवर बने, थिक घेवर नहीं बन जाए। हमें पता चलेगा कितना बैटर डालना है डालते डालते। डालते रहना है और रुकना है, डालते रहना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें अपना बैटर घेवर तैयार करना है पतीले में। हमें पतीला ऐसा ही लेना है जिससे हमारा घेवर का राउंड और एकदम सही साइज बने। देखिए हमें एक एक बूंद करके डालना है। अब देखो हमारा घेवर सिक रहा है धीरे धीरे धीरे। हमें इसको ऐसे चारों तरफ से रोक रोक के सेकना है, दबा दबा के, हल्का हल्के हाथ से दबाना, नहीं हमारा घेवर टूट जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से चारों तरफ से ऐसे करके हम सेक लेंगे इसको। देखिए हमारा घेवर सिक कर अब तैयार हो गया। कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मेहनत तो लगती है पर चीज़ अच्छी बनती है। देखिए अब हम इसको एक स्टैंड पर निकाल लेंगे। देखिए
कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम अब दूसरा तैयार कर लेंगे। एक एक करके हम सभी घेवर को तैयार कर लेंगे। ऐसे देखिए मेरे डालने का तरीका, देखिए धीरे धीरे रोक रोक के डालना है। हम गरम तेल में ही इसको छोड़ना है और संभाल के डालना है। देखिए होल करते रहेंगे और डालते रहेंगे, होल करते रहेंगे डालते रहेंगे। धीमी आँच में डालेंगे तो हमारा अच्छा नहीं आएगा। डालते समय हमें आँच थोड़ा तेज़ी रखना है। देखिए ऐसे डालते रहेंगे। देखिए ऐसे होल करते रहेंगे, डालते रहेंगे। चारों तरफ से हमारा धीरे धीरे सिकता रहेगा, डालते रहेंगे। देखिए अब हमारा दूसरा भी सिक रहा है, घूम रहा है तो अच्छे से सिक रहा है। और हमें चारों तरफ से ऐसे इसको भी सेक लेंगे। कितनी अच्छी जाली पड़ी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे मैंने किया वैसे करेंगे तो आपका घेवर बनकर अच्छा रेडी होगा। देखिए अब हम चक्कू से चारों तरफ से हल्का हल्का दबा दबा के सेक लेंगे हल्के हाथ से। हम चक्कू से भी इसको चारों तरफ से सेक लेंगे हल्का हल्का दबा के। देखिए हमारा दूसरा भी घेवर बनकर रेडी हो गया है, कितना अच्छा बना है। ये मेरे निकालते समय थोड़ा प्लेट में रखते समय टूट गया था, अब धीरे से निकाले। देखिए मेरे रेडी हो गए हैं दो, कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैंने एक तरफ चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। तरफ हमारी चाशनी बन रही है, दूसरी तरफ हम डेकोरेट कर लेते हैं घेवर को। देखिए हमारा घेवर डेकोरेट हो गया है। मैंने ये मीठी सौंफ डाली है और काजू बादाम। देखिए रबड़ी से मैंने इसको डेकोरेट कर, जो अभी चाशनी बनाई थी अब हम उससे इसको चारों तरफ डालेंगे, जिससे हमारा घेवर नरम हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी और रबड़ी और चाशनी से अच्छी लगे। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।